हेलो भाई, ये है DZ09, इसमें सब कुछ है। सेम कार नेम टेस्ट किया मैंने, ये सब है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब है। इसमें आप गेम भी खेल सकते हैं, पर मैंने अभी तक सिम गन डाली है और इसकी बैटरी बैकअप अच्छी नहीं है। स्पीकर सब है इसमें। और ये है फास्टैग रिफ्लेक्स, इसमें हम मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के। और ये हार्ट रेट, फिटनेस, स्लीप मोड, ब्रीथ, म्यूजिक कंट्रोलर सब है। फाइंडिंग माय फोन, अगर आपका फोन कहीं खो गया, कैमरा कंट्रोल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या अच्छा है, DZ09 में क्या क्या अच्छा है। इसमें स्क्रीन बड़ी अच्छी है और बस बैटरी बैकअप ख़राब है। ये फ़ोन मैं डालता हूँ स्टार हैश 66 हैश। मैंने ये सब ये है सीरियल कोड इसका। मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये इसका सीरियल कोड है। तो आप देख रहे हैं इसका, और ज़्यादा से आप दे सकते हैं। इसमें फ़ोन है, कॉन्टैक्ट है, और वो फोटोज है, कैलेंडर है, बैटरी है, व्हाट्सएप इंसर्ट से आ रहा है, ब्राउजर है, तो ये है DZ09। इसमें आप फोटो भी खींच सकते हैं। कह रहा है इंसर्ट मेमोरी कार्ड, मैंने अभी तक मेमोरी कार्ड नहीं कह रहा है, मतलब कि ये अगर सिम डाल देंगे पूरा वही भाई साहब पूरी मोबाइल की तरह चलेगी। इसका बैटरी बैकअप बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर हम मान लीजिए इसमें ब्लूटूथ एक्टिवेट कर देते हैं, और इसमें ब्लूटूथ पहले से एक्टिवेट रहता है, देख सकते हैं जो ब्लैक दिख रहा है रेड कलर का। और ये देखिए आप फिटनेस, हार्ट रेट, मल्टीपल स्पोर्ट्स, स्लीपिंग, यहाँ पे नो मैसेजेज आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये था DZ09 वर्सेस फास्टैग रिफ्लेक्स।